आकांक्षा दुबे केस में आ गया है बिग अपडेट। आकांक्षा दुबे केस की गुत्थी 66 दिन के बाद भी अभी भी उलझी है। समारोह संजय सिंह के अलावा कई और लोगों पर शक गहरा गया है। संदीप, अरुण और श्रद्धा से भी पूछताछ हो सकती है। मर्डर या आत्महत्या, अब तक की गुत्थी उलझी हुई है। 26 मार्च को होटल में मिली थी आकांक्षा की लाश। शशांक शेखर त्रिपाठी जो मधु दुबे के वकील हैं, मधु दुबे यानी आकांक्षा की मां, और समर सिंह के वकील विकास यादव कैसे आमने सामने आ गए हैं, देखिए और सुनिए। सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि संदीप सिंह ने पुलिस से झूठ बोला कि वह कमरे में केवल फ्रेश होने के लिए गया था, और पुलिस के सारे बड़े अधिकारियों ने संदीप सिंह की इस स्टोरी पर विश्वास क्यों कर लिया? 17 मिनट तक वह सिर्फ फ्रेश होने के लिए अंदर लाइट बंद करके गया था। वह अंदर क्या कर रहा था, इस विषय की जानकारी पुलिस को भी है और प्रशासन को भी है, लेकिन वह बताना नहीं चाहती है। दूसरा मेरा प्रश्न है कि संदीप यदि अंदर कमरे में फ्रेश होने गया था तो आकांक्षा के कपड़ों पर पुरुष स्पर्म कैसे पाए गए, और उसके बाद वह आकांक्षा इतना बिलक बिलक के फूट फूट के क्यों रो रही थी? मुवक्किल को फंसाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जिस हिसाब से अभी तक उसके साथ एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है जानबूझ करके फंसाने का, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आप ये मेरी बातों को लिख लीजिए, संदीप सिंह को फंसाने के लिए उस डीएनए का भी गलत इस्तेमाल कर सकती है पुलिस। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन संदीप तो सॉरी संजय और समर तो होटल में थे ही नहीं, क्योंकि कैमरे में बता रहा पुलिस कह रहा है कि वहां तो गए नहीं। वहां गए नहीं तो अब तो यही देखना है कि पुलिस विवेचना में लेकर के क्या आती।